स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम राज व्यवस्था एवं संविधान के लिए 9वीं वीडियो लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमने इसके 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। जाना होगा आपको www.studyforjobs.in पे। हालांकि यह लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होगा। एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय। उसी 5 सेकंड के दौरान आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो खत्म होने के बाद भी बताएंगे कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया। पहला क्वेश्चन है कि संसद में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है 4 और आपको जो सही लगता है हमें कमेंट करके बताइए। तो संसद में शामिल नहीं होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब आपको बता दें कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके बनाते हैं संसद को। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये संसद का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसे स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तुरंत अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है राष्ट्रपति। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, ये तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ठीक, जो तीनों सेनाएं होती है, वायु, जल और आर्मी, तो इनका कमांडर होता है और किसी भी देश से युद्ध या फिर शांति की घोषणा करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट ये घोषणा अपने विवेक पे नहीं कर सकता है। इसके लिए जो कैबिनेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट, वह लिखित में जो भी देगा वही ये प्रेसिडेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पे सीटें आवंटित होती हैं। तुरंत कमेंट करिए। सही उत्तर है जनसंख्या। जिस स्टेट में ज्यादा जनसंख्या है वहां पे लोकसभा की सीटें भी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। सही उत्तर है ये सभी, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध या पॉकेट। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है पहली बार तो राष्ट्रपति उसे पूरी तरह निषेध कर सकता है और फिर से वो चला जाएगा सरकार के पास कि फिर से उसे पास करा के भेजे, या फिर कुछ समय के लिए रोकेगा या फिर पूरा रोक सकता है, या फिर उस पर ना तो अपना हाँ देगा ना तो अपना ना देगा। इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ऐसा हो चुका है एक बार और ये किए थे ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है वही, मतलब जो वहां की राज्यसभा है, राज्यसभा के समकक्ष है, उसका सभापति होता है। उसी तरह इंडिया में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यह राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो सेम टू सेम अमेरिका जैसे हमारे यहाँ सिस्टम उपराष्ट्रपति के मामले में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। यह है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। सिंपल सवाल ये है, 5 साल। अगला क्वेश्चन कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। सही उत्तर है कई बार। इंडिया में जो राष्ट्रपति बनाने का रूल है यहाँ पे यही है कि एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका जो है, अमेरिका में है 2 बार, अधिकतम 2 बार कोई व्यक्ति बन सकता है, 2 बार के बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी तरह चाइना में भी था लेकिन अभी उसे चेंज कर दिया गया है, अब वहां पर भी कोई व्यक्ति कितना बार चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। वहां पे एक सिस्टम लगाया जाता है, हिंदी में कहते हैं उसको एकल संक्रमणीय, इसी से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर।
अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? अभी हम बता चुके हैं आपको, ये है उपराष्ट्रपति। आप इस समय के जो वर्तमान 2018 में उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम हमें कमेंट करके बताइए अभी। अगला क्वेश्चन कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये है लोकसभा में। देखिए, अविश्वास मतलब क्या होता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, तो जो राज्यसभा होता है वो कभी विघटित नहीं होता है, तो राज्यसभा में इसको लाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, इसीलिए जो अविश्वास होता है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो ये है इनमें से सभी के द्वारा, मतलब कि लोकसभा की बैठक को स्थगित भी किया जा सकता है, विघटन भी किया जा सकता है, सत्रावसान भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 552। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि 552 का जो लक्ष्य रखा गया है, मतलब इतनी सीटें हैं, ये कब तक है, मतलब किस सन तक? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ये है 2026 तक, मतलब कि 2026 तक 552 सीटें ही रहेगी, उसके बाद संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये देते हैं हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? ये लेते हैं हमेशा लोकसभा के स्पीकर, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है, और हालांकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है। तो राज्यसभा में किया जाता है 12, और लोकसभा में किया जाता है 2। लोकसभा में जिनको किया जाता है उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, और जो राज्यसभा में किए जाते हैं इनको कई क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा प्रतिनिधि भेजता है ये। अगला क्वेश्चन कि अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थाई इसको करता है राष्ट्रपति। और देखिए इसकी जरूरत कब पड़ती है, मान लीजिए जब कोई एक नई लोकसभा चुन के आती है, जैसे कि इस समय 16वीं लोकसभा चुनी गई है और यही सरकार में है, तो यहाँ पे जो नई लोकसभा चुन के आती है वहाँ पे कोई स्पीकर नहीं होता है पहले दिन, तो सबको शपथ दिलवाने के लिए उसमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और उसे अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। ये व्यक्ति ऐसा होता है जो कई बार लगातार चुन के आता है, तो इसे ही राष्ट्रपति चुन देता है, और ये अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा, और उसके बाद शपथ दिलवाने के बाद उसमें से एक लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद में शामिल है, तो अभी हम बता चुके हैं भारतीय संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के भारतीय संसद में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कि बजट सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में, क्योंकि जो वित्तीय बिल होता है आर्टिकल 110 के तहत, जो भी वित्तीय बिल फाइनेंशियल बिल होती है उसको लोकसभा में पास करवाना जरूरी होता है। फाइनेंशियल बिल के लिए राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है, जिस बिल को भी अगर लोकसभा अध्यक्ष कह दे कि यह वित्तीय बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल है, तो उसको राज्यसभा में कोई पास कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि पास कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर राज्यसभा उसे रोके या फिर कोई चेंज कराए तो जरूरी नहीं है कि वो रुकेगा या फिर चेंज होगा, ये लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा चाहे तो चेंज कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करिए। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टडी और जॉब के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।